आपकी लाइफ में कितना भी बुरा टाइम क्यों ना चल रहा हो, पर आप अगर देखने का नजरिया बदलो तो सब कुछ ब्यूटीफुल लग सकता है। इसी एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ आज की मूवी आती है, ऑल द ब्राइट प्लेसेस। ये हॉलीवुड रोमांटिक मूवी आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी इसी नाम के नॉवेल पर बेस्ड है। इस मूवी को बहुत ही ब्यूटीफुली शॉट किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायलॉग्स बहुत ही बेस्ड है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर थियोडोर दिखता है। थियो को जॉगिंग करना अच्छा लगता है, पर आज वो एक अलग ही चीज देखता है। हमारी और एक मेन कैरेक्टर हमें दिखती है जिसका नाम होता है वायलेट। वायलेट ब्रिज पर खड़ी हुई है और अब वो सुसाइड कर सकती है। थियो ये देखता है और वहां से भागते भागते उसके पास आ जाता है। ये उसे दूर से देख नहीं पा रहा था। ये उसके पास आता है और कहता है कि तुम कर क्या रही हो। जब वायलेट मुड़ती है तब थियो उसे पहचानता है। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वायलेट उसे कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। थियो इसे छोड़कर नहीं जा सकता, कहता है कि ये सही नहीं होगा। अब थियो भी इस ब्रिज पर चढ़ जाता है। वायलेट कहती है कि कर क्या रहे हो, और ये इस ब्रिज पर खेलने लग जाता है। वायलेट को डर लगता है और फिर ये दोनों नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट डे एक दूसरे से फिर से स्कूल में मिलते हैं, पर इन दोनों में ऑकवर्ड साइलेंसेस है। इसके बाद हम देखते हैं कि थियोडोर अपने काउंसिलर के पास आया हुआ है। थियोडोर ने प्रीवियस में किसी से झगड़ा किया था, इसी वजह से उसे काउंसिलर के पास आना पड़ता है। ये काउंसिलर उसके लाइफ के बारे में उसे पूछता है, पर थियोडोर इसे सीरियसली नहीं लेता। उसे नहीं लगता कि ये काउंसिलर उसे किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता है। इसके बाद हमें लंच ब्रेक दिखाया जाता है। लंच ब्रेक में वायलेट को उसे मिलने के लिए एक उसका फ्रेंड आता है। ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, इसके साइंस हमें मूवी में दिखाए गए है। वायलेट इसे बात नहीं करना चाहती। थियोडोर भी इसी लंच रूम में होता है। यहाँ पर अपने फ्रेंड से वायलेट के बारे में पूछता है। हमें पता चलता है कि वायलेट की सिस्टर मर गई थी। उसे बहुत ही दुख हो रहा था, इसी वजह से वो ब्रिज पर थी। थियो के फ्रेंड उसे पूछते हैं कि तुम उसमें क्यों इंटरेस्टेड हो। थियो किसी में भी इंटरेस्टेड है ये बहुत ही अजीब उन्हें लगता है। थियो के दो ही फ्रेंड होते हैं, पर ये उसके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। थियो भी हंसता है और मानता है कि हाँ, ये जरा वियर्ड तो है। शाम घर पर आता है तो उसकी सिस्टर को उसके काउंसिलर का ऑलरेडी कॉल आया हुआ होता है। उसकी सिस्टर उसके लिए वरीड होती है। थियो कहता है कि अब से मैं जरा अच्छा से बिहेव करूंगा, मैं इसे डील कर लूंगा। पर सिस्टर उस पर बिलीव नहीं करती। कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस तरह से चीज़ों से डील करते हो। उसकी सिस्टर उसे कहती है कि फ्रिज में तुम्हारे लिए एक्चुअल खाना मैंने बनाया है, ऐसा भी कुछ भी मत खा लेना। और वो अपने जॉब के लिए चली जाती है। थियोडोर की सिस्टर ही उसका सब कुछ ख्याल रखती है। थियो की मदर ज्यादातर बाहर ही रहती है। ये दोनों ब्रदर सिस्टर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। थियो के लिए उसकी सिस्टर एक मदर की तरह ही है। रात में वायलेट पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है, तभी उसके फादर उसे पूछते हैं कि आज का दिन तुम्हारा कैसा था। हमारे लिए भी यह बहुत ही डिफिकल्ट था। एक्चुअल में यह वही दिन है जब वायलेट की सिस्टर मरी थी। उस इंसिडेंट को एक साल अब हो चुका है। वायलेट आज बहुत ही अपसेट थी। मदर भी सबको चीयर करने के लिए जिस तरह से हमेशा से केक बनाती थी वैसा फिर से केक बनाती है, पर वायलेट को अभी ये खाना नहीं होता। वो अपसेट होकर वहां से चली जाती है। रात में थियो वायलेट के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। वायलेट और उसकी सिस्टर की एक वेबसाइट थी जहां पर उनके बहुत सारे फोटोज होते हैं, ये वो देखता है। वायलेट को राइटिंग भी अच्छी लगती है जो उसने अपने ब्लॉग पर लिखी होती है। रात में थियोडोर वायलेट की सिस्टर के मेमोरियल प्लेस पर भी जाकर आता है। अब नेक्स्ट दिन आता है, क्लास चल रही होती है तभी वायलेट आती है और उससे एक कुर्सी गिर जाती है। सब लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। थियो भी अपनी कुर्सी लेता है और फेंक देता है और सब लोग हंसना बंद कर देते हैं। थियो को सब लोग फ्री की समझते हैं। थियो ने अभी जो किया ये देखकर वायलेट उसकी तरफ देखती है और हंसती है। ये जो क्लास चल रहा है ये ज्योग्राफी का है। इसमें इन सबको असाइनमेंट दिया जाता है। वो जिस जगह पर रह रहे हैं उसके आसपास के सब वंडर्स उन्हें देख कर आने हैं। इनमें से दो वंडर्स के बारे में इन्हें लिखना है। ये उनका स्कूल प्रोजेक्ट है। इसमें वो पार्टनर भी चूज करते हैं। थियो को यह आइडिया अच्छा लगता है और वायलेट का वो पार्टनर बनना चाहता है। वो वायलेट के पास जाता है और कहता है क्या तुम परफेक्ट डे पर बिलीव करती हो। वायलेट को एक परफेक्ट डे देना चाहता है, पर वायलेट कहती है कि मुझसे सवाल पूछना जरा गलत है। रात में वायलेट अपनी मदर से बात करती है, उसे प्रोजेक्ट नहीं करना। कहती है कि मैंने टीचर को समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने कहा कि कब तक तुम घर में ही बैठी रहोगी, तुम्हें जरा बाहर निकलना चाहिए। मदर कहती है कि उन्होंने सही कहा है, तुम्हें ये करना चाहिए। आज रात पार्टी होने वाली है। वायलेट की फ्रेंड ने उसे इनवाइट किया था तो इस पार्टी में चली जाती है। इस पार्टी में वायलेट को फिर से उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है। वो उसे कहता है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। वायलेट कहती है कि मुझे जल्द घर जाना है। ये कहता है कि कब तक तुम उस एक्सीडेंट को लेकर अपसेट रहोगी, तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए।
ये उसे प्रैक्टिकली पुश ही कर रहा होता है। वायलेट उस पर नाराज हो जाती है और चली जाती है। थोड़ी देर में वायलेट को इंस्टाग्राम की एक नोटिफिकेशन आती है। थियो ने उसकी गाना गाते हुए एक वीडियो बनाई होती है और उसमें वो वायलेट को टैग करता है। इस गाने के पहले उसे कहता है कि मुझे कॉल करो, मुझे तुमसे बात करनी है। और ये गाना होता है कि मैं उसे ब्रिज पर मिला, वो सुसाइड करने वाली थी। ये बहुत ही फनी गाना वो बनाता है और उसे बात करने के लिए कहता है। वायलेट गुस्सा हो जाती है और उस पोस्ट को डिलीट करने के लिए थियो को कहती है। थियो डिलीट कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे लगता है कि हम फिर से उस हॉरिबल टाइम से नहीं गुजर सकते। वायलेट कहती है कि ये क्या कह रहे हो। थियोडोर कहता है कि एक बुक का कोट है। पूछता है क्या मैं तुमसे अब मिल सकता हूँ। ये दोनों फिर वॉक पर चलते हैं। थियो फिर वायलेट से कहता है कि मैंने तुम्हारी वेबसाइट देखी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। थियो कहता है कि मुझे पता है कि ब्रिज पर एक्सीडेंट हुआ था। वायलेट कहती है कि तुम्हें वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अब सुसाइडल नहीं हूँ। थियो हंसता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वायलेट कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर थियो कहता है कि हाँ ऐसा ही है। वायलेट फिर उसे पूछती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। थियो कहता है कि तुम्हारे साथ मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। वायलेट कहती है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। थियो कहता है कि बाहर जाना, लोगों से मिलना तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। वायलेट बोलती है कि मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लग रहा, लोग बहुत ही घटिया होते हैं। थियो कहता है कि सच कह रही हो, पर कुछ लोग सचमुच में तुम्हारा अच्छा भी चाह सकते हैं, यानी कि खुद के बारे में वो कहता है। थियो फिर कहता है कि हमें जाना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा कुछ हमें दे जा सकती है, हमारे लिए एक बड़ा सिग्निफिकेंस ये क्रिएट कर सकती है, शायद तुम्हें वहाँ जाकर वो पसंद भी आ जाए। वायलेट कहती है कि मुझे पता है कि मुझे वो पसंद नहीं आएगा। वायलेट को डिप्रेस देखकर थियो कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक और बुक का कोट है। इस कोट में होता है कि तुम में 1000 कैपेसिटीज़ है। थियो वायलेट से कहता है कि अगर तुम्हें लगता भी नहीं कि तुम में 1000 पॉसिबिलिटीज़ है, पर ये सच है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ एंजॉय कर पाओगे, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि तुमने एक्सपीरियंस नहीं की है। वायलेट कहती है कि मैं टीचर से बात करने वाली हूँ, मैं प्रोजेक्ट नहीं करने वाली, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि वायलेट टीचर से बात करती है, पर टीचर सब चीज़ के लिए मना कर देते हैं। स्कूल से वापस आते वक्त थियो से वो फिर से मिलती है। थियो फिर से उसे इंसिस्ट करता है। अब वायलेट मान जाती है, कहती कि ठीक है पर मैं गाड़ी में नहीं बैठने वाली, उसकी सिस्टर की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी इसलिए बहुत ही डरती है। थियो भी इसके लिए मान जाता है। ये दोनों फिर बाइसिकल पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में थियो पूछता है कि अगर तुम्हें कहीं भी जाना होगा तो तुम कहाँ जाओगी। वायलेट अपनी सिस्टर के साथ कैलिफोर्निया में रह रही थी, वो फिर से वहाँ जाना चाहती है। थियो कहता है कि मैं कहीं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पर पहले कोई भी नहीं गया होगा। थियो फिर जंगल में उसे एक स्पॉट पर लेकर आता है। इन्हें स्कूल प्रोजेक्ट में बताया गया था कि उनके आसपास के इन्हें वंडर्स देखने हैं, पर थियो वायलेट को एक स्टोन के पास लेकर आता है। ये उनकी स्टेट इंडियाना का हाईएस्ट पॉइंट है, पर जंगल में किसी ने पत्थर रख दिया है इस तरह से ही लगता है। थियो फिर इस पत्थर पर चढ़ जाता है और वायलेट को भी ऊपर आने के लिए कहता है। उसे पूछता है कि सबसे ऊंची जगह पर आकर तुम्हें कैसा लग रहा है। वायलेट कहती है कि मैंने लाइफ में इससे घटिया चीज नहीं देखी, और ये दोनों हंसने लग जाते हैं। इसके बाद थियो कुछ पेनिस लेता है और वहाँ वो थे इसकी मेमोरीज में इस पेनिस को गाड़ देता है। वायलेट की तरफ वो स्टेयर करने लग जाता है। वायलेट पूछती है ये क्या कर रहे हो। थियो कहता है कि ये एक कॉम्पिटिशन है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अब जरा कंफर्टेबल होने लग गए हैं। रात में सिस्टर के साथ जब थियो डिनर कर रहा होता है तो सिस्टर पूछती है कि तुम मुझे जरा अलग लग रहे हो। थियो कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वायलेट जब जरा स्टडी कर रही होती है तो थियोडोर के कोट उसे याद आते हैं। ये वो सर्च करती है और उसे मैसेज करती है। ये दोनों अलग अलग कोट एक दूसरे को मैसेज करते हैं। थियो फिर डायरेक्टली वायलेट के घर के बाहर आ जाता है। वो उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। वायलेट मान नहीं रही होती है तो छोटे पत्थर उसके खिड़की पर फेंकने लग जाता है। इसके बाद वो मान जाती है और इसके बाद ये चलते चलते एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं। इस जगह पर बहुत सारे वॉल्स है, अलग अलग चीजें इस पर लिखी हुई है। एक वॉल पर लिखा हुआ है कि मैं मरने से पहले और डॉट्स दिए होते हैं, यानी कि आपको क्या करना है ये आके लिखना होता है। थियो फिर चौक लेता है और लिखता है कि मरने से पहले उसे जागना है, यानी कि वो जिंदा महसूस करना चाहता है। वायलेट लिखती है कि मैं मरने से पहले ब्रेव बनना चाहती हूँ। ये दोनों वहां पर बैठते हैं और वायलेट अपनी सिस्टर के बारे में कहने लग जाती है। वो कहती है कि मेरी सिस्टर भी तुम्हारी तरह बॉसी थी। थियोडोर इस पर हंसता है। ये कहती है कि जब भी मेरा दिन बुरा होता था तो मुझे कहती थी हमारी लाइफ सिर्फ एक मोमेंट से, हम दिन याद नहीं रखते तो ये मोमेंट्स हम याद रखते हैं। इससे हमेशा वायलेट मोटिवेट होती थी और उससे अच्छा लगता था। वायलेट कहती है कि मेरी सिस्टर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी। उसकी सिस्टर को डिफाइन करता है कि एक बेस्ट फ्रेंड। थियो वायलेट से पूछता है कि तुम्हारे ग्रेवस्टोन पर तुम क्या लिखोगी। वायलेट कहती है कि मैं यहाँ पर थी, यानी कि इस दुनिया में वो थी, ऐसा वो अपने ग्रेवस्टोन पर लिख कर जाना चाहती है। थियो को ये बहुत ही पसंद आता है। थियो उस पर हंसता है और कहता है कि अब मैं तुमसे वो चुरा लूंगा, मैं भी अपने ग्रेवस्टोन पर वही लिखूंगा।
इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट दिन वायलेट का मूड जरा अच्छा होता है। वो अपने फादर को भी पैनकेक्स बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट डे वायलेट जब अपने स्कूल में आती है तो अपने फ्रेंड से कहती है कि वो थियो के साथ प्रोजेक्ट कर रही है। सब लोगों को स्कूल में लगता है कि थियो अजीब है, इसी वजह से उसकी फ्रेंड भी उसे कहती है कि तुम उसके साथ क्यों कर रही हो, वो बहुत ही वायलेंट है। वायलेट कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वायलेट जब अपनी लॉकर चेक कर रही होती है तो उसके लॉकर में एक स्टोन होता है, उसमें लिखा होता है कि अब तुम्हारा टर्न है। थियो उसके पास आता है तो वायलेट पूछती है कि ये क्या है। थियो कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ जगहें दिखाई है, तुम भी मेरे साथ और जगह पर आ सकती हो। वायलेट कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम सिर्फ दो ही जगह देखेंगे। वायलेट यहाँ पर रिजर्व्ड बातें कर रही है तो थियोडोर कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम जैसा हमेशा मुझसे बात करती हो वैसा क्यों नहीं कर रही। यहाँ पर वायलेट का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहता है कि इसके साथ तुम क्यों हो। थियो भी यही है तो इन दोनों में झगड़ा होने वाला था, पर थियो अपने आप को रोक लेता है। इसके बाद थियो काउंसिलर के पास हमें दिखाया गया है। काउंसिलर से फिर से पूछता है कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। थियो अपने काउंसिलर से अभी भी बात नहीं कर रहा। काउंसिलर थियो को अपसेट देखकर कहता है कि ग्रुप है जहां पर तुम जा सकते हो, वहां पर तुम कुछ भी बोलो तो सब चीजें प्राइवेट रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि थियो रात में वायलेट के घर के बाहर आता है, वहीं पर वो सो जाता है। सुबह वायलेट के फादर देखते हैं तो उन्हें बहुत ही अजीब लगता है। वायलेट बाहर निकलती है और थियो से पूछती है कि तुम ये कर क्या रहे हो। थियो कहता है कि मैंने एक अमेजिंग जगह ढूंढी है जहाँ पर हम जा सकते हैं, वो बहुत ही दूर है तो वायलेट को कार में आना पड़ेगा। वायलेट इसके लिए स्ट्रिक्टली मना कर देती है। थियो कहते हैं कि मैं बहुत ही स्लो गाड़ी चलाऊंगा, मैं अच्छा ड्राइवर भी हूँ, तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पर अभी भी वायलेट उससे मान नहीं रही। उसे कहता है कि कभी ना कभी तुम्हारे फियर को तुम्हें कॉन्कर करना ही पड़ेगा। वो अपनी गाड़ी की चाबी फेंक देता है और कहता है कि सिर्फ तुम गाड़ी में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला। वायलेट के मदर फादर बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। थियो उनके पास जाता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। थियो उनसे कहता है कि हम स्कूल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमें जरा बाहर जाना पड़ेगा। उन्हें सब कुछ समझाता है तो वायलेट के पेरेंट्स भी इसके लिए मान जाते हैं। वायलेट घर में चली जाती है पर थोड़ी देर में बाहर आकर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ हमें दिखता है कि थियो अब अपनी कीज ढूंढ रहा है। फ्लो में उसने फेंक तो दी थी पर उसे मिल नहीं रही। थोड़ी देर में इसे मिल जाती है और अब अपनी जर्नी पर ये निकल पड़ते हैं। गाड़ी में बैठकर वायलेट बहुत ही डर रही होती है पर वो गाना लगाती है। थियो की गाने की चॉइस बहुत ही अजीबोगरीब है, इस पर वो हंसने लग जाती है, जरा आप कंफर्टेबल महसूस करती है। आगे गाड़ी में चलते है तो वायलेट को फिर से उसकी सिस्टर की याद आती है। वो कहती है कि जो भी हुआ था ये बहुत ही सडन हुआ था, मुझे डायरेक्टली हॉस्पिटल में ही पता चला कि मेरी सिस्टर गुजर चुकी है। थियो भी वायलेट को सहारा देता है। थियो फिर उसे उस जगह पर लेकर आता है। ये एक छोटा सा रोलर कोस्टर होता है, ये देखकर वायलेट उस पर बहुत ही हंसती है। इसके बाद ये दोनों इस रोलर कोस्टर पर बैठते हैं और बहुत मजे करते हैं। वहां से वापस आते वक्त रेडियो पर गाने चलाते हैं और उसके बोल गाते हैं। थियो वायलेट को एक नोटबुक देता है, वो कहता है कि जहां पर भी हम गए थे उसके बारे में अब तुम्हें लिखना है। वायलेट को लिखना अच्छा लगता था पर उसकी सिस्टर के जाने के बाद वो कुछ भी लिख नहीं रही थी, तो अब उसे वो कह रहा है कि तुम्हें कुछ लिखना है क्योंकि तुम राइटर हो। वायलेट हंसते हुए कहती है कि तुम बहुत ही पुशी हो। थियो अपनी तारीफ में कहता है कि मैं बोल्ड हूँ, एक्साइटिंग हूँ, सेक्सी हूँ। इस पर ये दोनों बहुत हंसते हैं। इसके बाद थियो कहता है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्यों इतना लाइक करता हूँ, तुम में सब कलर्स मुझे दिखते हैं और वो भी फुल ब्राइटनेस में। यहाँ पर शाम हो चुकी है, जिस रास्ते से जा रहे हैं उसके आसपास बहुत ब्यूटीफुल खेत होते हैं। थियो गाड़ी रोक लेता है, वायलेट के पास आता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद ये दोनों कपल बन जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। इनका रूटीन सही से चल रहा होता है। एक दिन हम देखते हैं कि थियो और वायलेट अपने फ्रेंड्स के साथ है। थियो अचानक से किसी ख्याल में डूब जाता है। इसके बाद वो एक दो दिनों के लिए गायब हो जाता है। थियो के फ्रेंड से वायलेट पूछती है कि इसने ऐसा क्यों किया है, वो मेरे टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह भी रिप्लाई नहीं कर रहा। उसके फ्रेंड कहते हैं कि कभी कभी थियो ऐसा करता है, उसे कुछ स्पेस चाहिए होता है इसीलिए एक दो दिनों के लिए वो गायब हो जाता है, पर हमेशा वो वापस आता है, तुम्हें वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दो दिनों बाद अचानक से वायलेट के घर पर थियो उसके पेरेंट्स से बात करने लग जाता है। वायलेट उस पर बहुत ही नाराज है, पर थियो उसे डायरेक्टली बाहर लेकर आता है। उसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वायलेट को मनाने के लिए उसने बहुत सारे फ्लावर्स लाए हुए होते हैं। वायलेट भी देखती है, स्माइल करती है और वो अब थियो के साथ जाने के लिए मान जाती है। थियो उसे एक ब्यूटीफुल लेक के पास लेकर आता है। थियो वायलेट से कहता है कि लोग समझते हैं कि अगर इस लेक में कोई नीचे तक गया तो अलग वर्ल्ड में पहुंच सकता है। थियो अपने कपड़े निकालता है और स्विमिंग करने के लिए जाना चाहता है। वायलेट को कहता है कि तुम्हें भी आना चाहिए। थियो कहता है कि तुम डर क्यों रही हो। वायलेट कहती है कि मरने से मैं डर रही हूँ। थियो कहता है कि मुझे पता है कि ये सच नहीं है। वायलेट से पूछता है कि लाइफ में सबसे ज्यादा किस चीज से तुम डरती हो। वायलेट कहती है कि मैं डरती हूँ कि मैं सही से जी नहीं पाऊंगी। थियो कहता है यही तुम्हारा चांस है,
इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस लेक में कूद जाते हैं। ये पानी बहुत ही ठंडा होता है तो थोड़ा सा रिग्रेट भी करते हैं। बाहर निकलने के बाद वायलेट पूछती है कि तुम किस चीज से सबसे डरते हो। थियो कहता है कि मेरी सिस्टर को लूज करने से मैं बहुत डरता हूँ क्योंकि उसकी लाइफ में उसकी सिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थियो फिर से लेक के बॉटम में देखना चाहता है तो कूद जाता है। थोड़ी देर तक वो बाहर निकलता तो वायलेट बहुत ही डर जाती है, वो भी कूद जाती है। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती पर ढूंढ नहीं पाती। वो ऊपर आती है तो थोड़ी देर में अचानक से थियो भी बाहर आ जाता है। वो सर बहुत ही अपसेट हो जाती है, उसे मारने लग जाती है। वो कहती है कभी भी ऐसा मत करना, क्यों तुम इस तरह से गायब होते रहते हो। वो बहुत ही गुस्से में है। वो कहती है कि तुम्हारे बारे में मुझे कुछ ना कुछ तो रियल चीज बताओ, वरना हमारा जो है ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। थियो के बॉडी पर एक बड़ा सा स्कार है, इस बारे में वो कहता है। वो कहता है कि मेरे फादर बहुत ही वायलेंट थे और मैं बहुत ही छोटा था। एक दिन उसके फादर वायलेंट हो चुके थे और थियो उनके सामने आ गया था, इसी वजह से उसे इंजुरी हुई थी। थियो फिर कहता है कि कभी कभी मुझे कुछ स्पेस चाहिए होता है, मैं मेरे थॉट्स को सही से कर नहीं पाता। वो एक दो दिनों के लिए अकेले सोचने के लिए चला जाता है। वायलेट भी उसे समझ लेती है। रात में वो पुराने रेलवे स्टेशन पर आते हैं। थियो ने वायलेट के लिए पहली बार जो सॉन्ग लिखा था बीच का, तो फिर से वो गाने लग जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। इन्हें घर वापस जाना था पर रात भर यही सो गए होते हैं। सुबह होने पर जल्दी से घर पहुंचते हैं। वायलेट की मदर एंड फादर बहुत ही अपसेट है। वायलेट अंदर जाती है और थियो ने समझाता है कि ये सब मेरी गलती थी, ये मेरी वजह से हुआ था। वायलेट को प्लीज कुछ भी मत बोलना। थियो घर पर आता है और वायलेट के पेरेंट्स उस पर अपसेट होंगे, इसी वजह से वो बहुत ही अपसेट हो जाता है। सब चीजें वो फेंकने लगता है। नेक्स्ट डे स्कूल में हम देखते हैं कि वायलेट का एक्स बॉयफ्रेंड फिर से उसे बात कर रहा होता है। यहाँ पर थियो आता है तो एक्स बॉयफ्रेंड कहता है इस फ्रीक के साथ तुम क्यों रहना चाहती हो। थियो पहले ही अपसेट था, उसे उसने फ्रीक बुलाया है। इस पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। थियो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, वायलेट बहुत ही चिल्लाती है, तब उसे वो जाने देता है। थियो डायरेक्टली स्कूल छोड़कर घर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थियो का फ्रेंड और वायलेट एक दूसरे से बात कर रहे हैं। थियो का फ्रेंड थियो को रोकने की कोशिश कर रहा था तो इसे भी थोड़ा सा लग गया था। थियो का फ्रेंड वायलेट से कहता है कि अगर तुम थियो के साथ रहना चाहती हो तो ये सब चीजें तुम्हें इग्नोर करनी पड़ेगी। वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके साथ रहना बहुत ही डिफिकल्ट है। वायलेट पूछती है कि फिर तुम क्यों उसके फ्रेंड हो। थियो का फ्रेंड कहता है कि बचपन से हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मैं उसे एज अ फ्रेंड बहुत प्यार करता हूँ। थियो अपने कॉल नहीं उठा रहा, टेक्स्ट मैसेज की भी रिप्लाई नहीं कर रहा। वायलेट डिस्टर्ब होती है और उसके घर पर आ जाती है। थियो की सिस्टर से वो बात करती है, जो भी हुआ था ये सिस्टर को बताती है। सिस्टर भी वरी करने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि थियो सपोर्ट ग्रुप में आया है। उसके काउंसिलर ने उसे कहा था कि वही सपोर्ट ग्रुप है। थोड़ी देर में इसी सपोर्ट ग्रुप में वायलेट की फ्रेंड भी उसे दिखती है। वायलेट की फ्रेंड को भी सुसाइडल थॉट्स आते थे, इसी वजह से इस ग्रुप को उसने ज्वाइन किया है। वो अपनी स्टोरी सबको सुनाती है। थियो को भी कहा जाता है। थियो अपनी प्रॉब्लम में कहता है कि वो कभी कभी बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो फिर क्या करता है उसे समझ में नहीं आता। इसके बाद थियो उसकी सिस्टर जहाँ काम करती है वह उससे मिलने के लिए आता है। थियो उसकी सिस्टर से पूछता है कि हमारे फादर क्या कभी ठीक थे, वो बहुत ही वायलेंट थे, इन्हें बहुत मारते थे, यही उनकी मेमोरी इनके माइंड में है। सिस्टर बड़ी है तो थियो पूछ रहा होता है कि क्या कभी उनकी हैप्पी मेमोरीज हमारे पास है। सिस्टर कहती है कि हमारे फादर बहुत ही घटिया आदमी थे, उन्होंने अगर कुछ अच्छी चीज की भी हुई होगी पर फिर भी वो हमें बहुत मारते थे, इसी वजह से हम उसे याद नहीं कर पाएंगे। थियो पूछता है कि क्या ऐसी कोई चीज थी जिससे हमारे फादर बदल सकते थे, वो फिर से सही से लाइफ जी सकते थे। थियो को लगता है उसकी और उसके फादर में बहुत ही सिमिलरिटीज है, वो अपने फादर में अपने आप को ही देखता है। सिस्टर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो बदल सकते थे, वो एक घटिया आदमी थे। थियोडोर बिलीव करने लग जाता है कि वो भी कभी बदल नहीं पाएगा। वो घर पर आता है और वह वायलेट है। थियो अपसेट था, इसी वजह से उसने अपनी रूम सब तबाह कर दी थी। इसके बारे में वायलेट उससे पूछती है। थियो कहता है कभी कभी मुझे बहुत ही ख्याल आते रहते हैं, इन्हें मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ पर ये कंट्रोल नहीं हो रहे। थियो को अब लगता है कि वायलेट का उसके साथ रहना सही नहीं है, उस पर चिल्लाता है और निकल जाने के लिए कहता है। एक दो दिन गुजर जाते हैं और थियो फिर से गायब हो चुका है। वायलेट थियो को वॉइस मैसेज छोड़ती है और कहती है कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। शाम में वायलेट अपने फादर के पास है। वो अपने फादर को बताती है कि किस तरह से वो और थियो पहली बार मिले थे। उसके फादर उसके लिए वरी करते हैं। वायलेट कहती है कि तब मुझे जैसा लग रहा था अब वैसा मुझे नहीं लगता। वो थियो को लेकर बहुत ही परेशान है। फादर उससे कहते हैं कि तुम दोनों तो अलग अलग जगह पर गए थे, थियो वही किसी जगह पर होगा। वायलेट भी अब कार निकालती है। वो सिर्फ कार में बैठने से भी डरती थी पर अब खुद ड्राइव करती है और अलग अलग जगह पर जाकर देखती है।
जब वो लेक के पास आती है तो थियो की गाड़ी वहां होती है। आगे चलकर थियो के कपड़े वगैरह उसे मिलते हैं। थियो ने यहाँ से कूद कर सुसाइड कर ली है। वायलेट बहुत रोती है। जिस जगह पर भी ये जाते थे सब जगह हमें सुनसान दिखाई जाती है। थियो का मेमोरियल भी होता है। वायलेट अपनी मदर से कहती है कि मैं थियो को बहुत ही मिस करती हूँ। उसके मदर फादर उसे सहारा देते हैं। वायलेट से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड भी आती है। उसकी फ्रेंड सुसाइडल थी। जिस चीजों से वो गुजर रही थी इन सब चीजों के बारे में वायलेट को कहती है। वायलेट कहती कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम इस सब से गुजर रही हो। फ्रेंड कहती है कि मैं हमेशा मेरी फीलिंग्स छुपा कर रखती थी। ये सीन रिप्रेजेंट करता है किस तरह से लोग हमसे चीजें छुपा कर रखते हैं। किसी के लाइफ में क्या चल रहा है हमें कभी भी पता नहीं होता। रात में वायलेट थियो का मैप देखती है। इस मैप के बारे में थियो ने कहा था कि एक दिन मैं तुम्हें एक अलग सी जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। इस जगह को थियो ने मार्क किया था। वायलेट डिसाइड करती है और निकल पड़ती है। ये जगह एक बड़े से मेमोरियल के लिए बनवाई हुई होती है। यहाँ पर वायलेट पढ़ती है कि ये जगह उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो कार एक्सीडेंट में मर गए थे। यहाँ पर एक बुक होती है जिसमें वो एंट्रीज पढ़ती है। इस एंट्रीज में थियो ने लिखा होता है कि मैं यहाँ था, यानी कि इस वर्ल्ड में वो था। वो जब मूवी के फर्स्ट में बात कर रहे थे तो वायलेट ने कहा था कि मैं अपने ग्रेवस्टोन पर लिखूंगी कि मैं यहाँ थी। थियो ने कहा था ये लाइन मैं तुमसे चुरा लूंगा, और यही उसने किया है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल प्रोजेक्ट जो था इसके बारे में उन्हें लिखने के लिए कहा गया था। वायलेट ने जो सब लिखा है ये सब क्लास को सुना रही है। ये कहती है कि मैं चीजों के बारे में वरी करती थी पर वो मीनिंगलेस था। मुझे लगता था कि इस लाइफ को जीने की मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, पर फिर थियो मुझे मिला। उसने मुझे सिखाया कि मुझे वरीड होना चाहिए कि मेरे लाइफ में जी नहीं पाऊंगी। उससे मिलने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं गलत चीजों को लेकर वरीड थी। थियो ने मुझे सही से जीना कैसे है ये सिखाया। उसने मुझे अलग अलग जगह पर जाना सिखाया। उसने मुझे सिखाया कि वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई में जाने के लिए तुम्हें माउंटेन क्लाइंब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत ही छोटे से अगली प्लेसेस भी आपके लिए बहुत ही बड़े हो सकते हैं। वो आपके लिए ब्यूटीफुल बन सकते हैं अगर आप उनके लिए कुछ टाइम निकालो। कभी कभी आप लॉस्ट महसूस कर सकते हो पर फिर से आपको फाइट करना है। उसने मुझे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है ये सिखाया। उसने मुझे सिखाया है कि जिंदगी में कितनी भी डार्क टाइम क्यों ना हो पर फिर भी एक ब्राइट जगह होती है जहाँ पर इनफिनिट पॉसिबिलिटीज है। इसके पैरेलल सीन्स में हमें वायलेट खुश दिखाई देती है। थियो जिस तरह से चाहता था कि वायलेट अपनी लाइफ जिए उस तरह से वो जी रही है। मूवी के सब मैसेजेस इसी वायलेट्स के डायलॉग में हमें पता चल जाते हैं। यही मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में हमने देखा कि छोटी छोटी चीजें भी बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी पंछियों की आवाजें आ रही है। सन आने वाला है और स्काई बहुत ही ब्लू है। ये आज के दिन का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट है। आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने में मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए। शायद आप इस बर्ड को सुन सकते हो।